करना ही आपके प्रश्न का प्रायोजन बताता है। अटल बिहारी वाजपेयी तो हमारे एक प्रकार से पिता तुल्य, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, हम लोग को खड़ा किया, आगे टल गए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस दृष्टिकोण से आप सवाल पूछ रहे हैं, अगर मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो कहा सबका साथ सबका विकास। और अगर कोझिकोड की सभा में उन्होंने पाकिस्तान को एक दिन चुनौती दी, तो दूसरे दिन हमारे आइडियोलॉजिकल गुरु दीनदयाल उपाध्याय को कोट करते हुए कहा, मुसलमानों को न पुरस्कृत करो न तिरस्कृत करो, उन्हें अपनाओ। ये उनकी दृष्टि है। अगर वो भी आप नहीं देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, हमने देखा, पहले पन्ने पर विज्ञापन देखा था जियो का, बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी नहीं हो पाते हैं, लेकिन जियो के कैसे हो जाते हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात, उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात की, लेकिन आपको जियो से क्या परेशानी है, मुझे ये समझ में नहीं आता। हमें बता दीजिए आप, हमें, मैंने आपको पहले, सरकार वही चलाए जिन्हें देश की जनता सरकार चलाने के लिए चुनती है, और कानून वही बनाए जिन्हें देश की जनता कानून बनाने के लिए चुनती है। यही तो मैंने कहा था, इस पर क्या परेशानी है भाई आप? हमें परेशानी नहीं है। और यह संविधान का छात्र बोल रहा है? नहीं नहीं, आपने अच्छा कहा, चुनी हुई सरकार का जिक्र कर दिया, हमें ममता बनर्जी याद आ गई, हमें केजरीवाल याद आ गए, पता नहीं उन्हें किसने चुन लिया है। वही आरोप आप पर लगाते हैं यही बात का, कि आप तो उनके भी नहीं चलाने देते हो। देखिए, 70 में 67 सीट के जनादेश को स्वीकार करने के बाद कोई जनादेश को इस तरह से बर्बाद करता है, अपने लोगों से जंग, प्रशांत भूषण से जंग, योगेंद्र यादव से जंग, नरेंद्र मोदी से जंग, बाकी से जंग, ऐसे सरकार चलती है क्या? जंग से जंग, जंग से जंग, अभी तक मीडिया से जंग, मीडिया को कहा सब बिके हुए हैं, सिर्फ पंडित पुण्य प्रसून वाजपेयी से जंग वो नहीं करते, ये भी उनका सम्मान को करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जिस तरह की हल्की भाषा का प्रयोग अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री के बारे में करते हैं, क्या ऐसी बात का प्रयोग किसी और ने किया है क्या? ये भी देख रहे हैं। एक दिन जो बंदा हमारा बाल काटने आता है, भी करता है, बाल काटता है, हंसी भी आती है, कहा भैया जी आज सुबह हमारे बगल में एक गाय दूध नहीं दे रही थी, तो किसी ने कहा भैया केजरीवाल जी को मत बुलाओ वरना ये भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के कारण दूध नहीं दे रही है। ये क्या मतलब है क्या? ये हल्की राजनीति है। और क्षमा करिए वाजपेयी जी, हिंदुस्तान हल्की पॉलिटिक्स को कभी लाइक नहीं करता है। अब उसका आगे क्या होगा, कितना गवर्नेंस या डेवलपमेंट देखा जाए। हाँ, इतना जरूर है, लोकतंत्र में ममता जी का भी स्थान है, लोकतंत्र में अरविंद जी का स्थान है, जनता ने उनको वोट दिया, अब आगे चुनाव होगा जनता तय करेगी। जोक तो सर 75 साल को लेकर भी बने हैं। 75 साल आपकी हो गई है क्या? दिल्ली की तरफ मत देखिए, अडवाणी जी के घर में बैठे हम, जोशी जी के घर में बैठे हम, और जिन्हें भी दरकिनार कर दिया गया, जोक तो उस पर भी बने हैं। सवाल यह है कि आपको अगर जनता ने चुना है और संविधान की शपथ आपने ली है, तो उसके बाद आपके जहन में यह सवाल क्यों उठते? या तो पार्लियामेंट में लाकर संशोधन कर दीजिए चीजों का। आप जिस बात का सुप्रीम कोर्ट का आज आपने जिक्र किया है, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का सपोर्ट बाला साहब ठाकरे ने किया था, वो उनकी पार्टी गलत बोल रहे हैं आप, साथ है, वो जेल में गए थे बाला साहब, मैं संघर्ष में था, गलत बोल रहे हैं आप, बाला साहब आप गलत बोल रहे हैं, गलत मत बोलिए आप प्लीज। बाला साहब संघ के स्वयंसेवकों ने जितना संघर्ष किया, उनके नाखून निकाले गए थे मध्य प्रदेश में, बिहार में क्या मैं जानता हूं? मिस्टर वाजपेयी डोंट स्पीक फॉल्सहुड प्लीज। बाला साहब ठाकरे की रिपीट करूंगा, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, इतना ही नहीं कहा था, उन्होंने कहा था इस देश में तानाशाह होना चाहिए, बिल्कुल ये भी उनके शब्द है। अब आपको अगर, मैं जानता हूं कि आप संघ से छिड़ते हैं, लेकिन उस चिड़न में आप, नहीं, नहीं, इसमें संघ बीच में कहां से आ गया? आपने बाला साहब ठाकरे और संघ में तो कुछ, वो संघ के हेड थे ना, मैं जानता हूं सर। बाला साहब ठाकरे हम बोल रहे हैं, बाला साहब ठाकरे शिवसेना, सॉरी हमने कहा बाला साहब देवरस की, नहीं नहीं देवरस से बहुत अच्छे रिश्ते हमारे रहे हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। यकीनन नई खबर सुनी हमने आपकी, नहीं नहीं आपने नई खबर, नई खबर सुनी हमने आपके बारे में, ये मोहन भागवत भी जानते हैं, इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए। हम ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं, ठाकरे ने कहा था संघ से आपके संबंध काफी बहुत बेहतरीन रहे हैं, नागपुर में रहे हैं, क्या बात है। और इतना ही नहीं, लालकृष्ण आडवाणी क्यों अयोध्या रथ लेकर नहीं नागपुर में घुसे थे, ये भी हम बताने की स्थिति में, हम उस पर नहीं आ रहे हैं। मैं अपने को करेक्ट, ठाकरे, अब ठाकरे की बात तो आप उनसे पूछिए, मैं अरे हजूर उनके साथ हैं आप लोग, ठीक है, क्यों है, हम तो आपके साथ भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो अब साथ की बात है तो अब ये बात आप शिवसेना से पूछिए। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, मैं एक बात अवश्य कहूंगा,
बाला साहब ठाक, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि मैंने इनको बाला साहब देवरा समझा, आई एम सॉरी, मैं क्लैरिफाई कर दूं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि बाला साहब ठाकरे को जितना मैंने देखा है, उनकी कांग्रेस विरोध की राजनीति प्रामाणिक थी, ये मैं जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं, देखिए मैं देश की राजनीति में 90-91 से हूं, जब मैं बीजेपी की युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना, 8 राज्यों का प्रभारी रहा हूं, अब लंबा 17 साल एमपी हूं, वाजपेयी सरकार में मंत्री था, अभी भी हूं, और आप मुझे बहुत दिन से झेल रहे हैं, आप तो जानते ही हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग देश को समझते हैं और पढ़ते भी हैं। बाला साहब ठाकरे वॉज कमिटेड एंटी कांग्रेस, ये मैं जानता हूं। अब उनको लगा कि तानाशाह देश में एक ऐसा होना चाहिए, ये उनकी अपनी सोच है, उस सोच से मैं एग्री करता हूं नहीं। मैं मानता हूं ये मुल्क जमहूरियत से चलेगा, डेमोक्रेसी से चलेगा, लोगों की राय से चलेगा। और अगर आज नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया कि देश की जनता को विश्वास में लिया कि तुम्हें 50 दिन डिफिकल्टी होगी, लेकिन ब्लैक मनी के नासूर को हम खत्म करेंगे, हिंदुस्तान को ईमानदारी के रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे, और देश उनको ट्रस्ट कर रहा है, तो ये देश की जनशक्ति है, हमें इसको मानना चाहिए। नहीं, अभी सोचने का तरीका होगा। नहीं ठीक है, वो 50 दिन तो हम लोग इंतजार कर ही रहे हैं, 31 से रिपोर्ट शुरू होगी, वो मुश्किल नहीं है। आप तो बीच में ही रिपोर्ट चले गए थे साहब, कहां कहां आपने माइक लगाया था, लोगों के पास क्या क्या पूछा था, लोगों ने देखा है आप, और आपके उसका हम अधिकार का सम्मान करते हैं। नहीं, हम भी सम्मान करते हैं। नहीं, एक बार सुन लीजिए, प्रधानमंत्री आज मैं आज तक के चैनल पर ये ओपनली देश का एक वरिष्ठ मंत्री बोल रहा है कि पंडित पन्नी प्रसून वाजपेयी के नरेंद्र मोदी के भयंकर आलोचना करने के अधिकार का हम सम्मान करते हैं, ये बात दीगर है, उनकी आलोचना जनता नहीं समझती है, ये बात दीगर है। आप तो 14 के पहले से उनकी आलोचना कर रहे हैं, 14 से आज तक कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन फिर भी हम जीतते हैं। अभी गुजरात जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, आसाम जीत गए, लेकिन आपके उस अधिकार का हम सम्मान करेंगे, और आप हमारी आलोचना करते रहें, आपके इस अधिकार के हम लड़ते भी रहेंगे, लेकिन हम आपसे एक ही आग्रह करेंगे, कभी कभी हमने कुछ अच्छा ही देख लिया कीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। रविशंकर जी, मुश्किल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो हमें नहीं बुलाया, पीएमओ में मनमोहन सिंह को बुला के पूछना पड़ा था आप हमारी आलोचना क्यों करते हैं, और ये रिकॉर्डेड है, 2009 का जिक्र हम कर रहे हैं, उनके पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पे हमने अटैक किया था, और मनमोहन सिंह का फोन आया था और उन्हें पीएमओ बुलाया था, और हमने कहा था कि हमारा काम है आपकी आलोचना करना। अगर आप भटक रहे हैं तो सवाल यह है कि आप कह देते हैं वो खामोशी से सहते चले गए, हमारी मुश्किल ये आपको भी नहीं मोदी जी ने कभी रोका है कि आपकी आलोचना करने से, पता नहीं ना, आप बड़े मुझे बता दीजिए ना। अब आपको पीएमओ में अगर नहीं बुलाया जा रहा है, अरे जनाब हम जाना भी नहीं चाह रहे हैं, इतनी परेशानी क्यों है आपको? हम खाली आपने कहा क्यों? जर्नलिस्ट का काम है आलोचना करना, आप बिल्कुल करिए। जब भारत मोदी जी की सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री आपके मंच पर आपके आलोचना के अधिकार का सम्मान कर रहा है, तो आप मस्त रहिए ना। नहीं, हमें लगता है इससे चर्चा नहीं कर रहे, पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, मंत्री अपना काम कर रहा है, बिल्कुल करिए, है ना। मुश्किल ये है कि हमने जिक्र इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहा क्योंकि अब चीफ जस्टिस जो है जेएस केहर साहब होने वाले हैं, और मेरे ख्याल से 5 सदस्यीय बेंच जब बैठी थी और जिसमें चर्चा कॉलिजियम और एनजेएसी को लेकर हुई थी, तो वही लीड कर रहे थे और उन्होंने पाठ पढ़ाया था, जो उनका फैसला था वो अपने आप में चुनी हुई सरकार को एक पाठ था, जिसकी आप लोगों ने भरपूर आलोचना की थी। ये टकराव जो हम देख रहे हैं जुडिशरी और सरकार के बीच का, अब है कि 3 को रिटायर करेंगे, 4 को शपथ लेंगे, आ जाएंगे, ये आपको लगता है कि जो मुश्किल हालात है, जो आंसू टपकते हैं चीफ जस्टिस से, आप लोग जजेस की नियुक्ति नहीं करते हो, इन मुश्किल हालातों में आपको लगता नहीं है कि एक सहमति बननी चाहिए? देखिए पहले मैं एक बात कह दूं, वो कानून पास किया था, यहां वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, संसद के दोनों सदनों ने 100% सपोर्ट किया था, और देश की 50% विधानसभा ने सपोर्ट किया था, और स्वयं जेएस वर्मा साहब ने कहा था कि कॉलेज सिस्टम गड़बड़ है, इसको ठीक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को उलट दिया, उस निर्णय के प्रति हमारा रिजर्वेशन है, और निर्णय की आलोचना करना गलत नहीं है, लेकिन हमने उस निर्णय को माना है। हमने 120 हाईकोर्ट जज की नियुक्ति कर दी है, जो आज तक के इतिहास का सेकंड है, 4 सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की, हमने लगभग 124 एडिशनल जज को कंफर्म किया, और अभी भी 5000 पोस्ट खाली है सबॉर्डिनेट जुडिशरी में, जिसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, वो हाईकोर्ट को करना है, और लगभग 430 पोस्ट खाली है हाई कोर्ट के, जिसमें 280 पर हाई कोर्ट को अपना नाम भेजना है, तो अपना काम हम कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपने उठाई है, तो आज मैं यहां पर उस बात को कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं देश इस बात को जाने, उस निर्णय में, और मैं उस निर्णय की बड़े आदर से आलोचना कर रहा हूं कानून के छात्र के रूप में,
उस निर्णय का सार यह है कि अगर लॉ मिनिस्टर बैठेगा और जज की नियुक्ति होगी तो कोई केस अगर आएगा सरकार के खिलाफ तो मोकिल के मन में सस्पिशन होगा कि ईमानदारी से फैसला करेंगे कि नहीं करेंगे। इस पर मुझे एक बात कहनी है, भारत का संविधान 1950 में आया, 1950 से 1993 तक लॉ मिनिस्टर, पहले होम मिनिस्टर इसके पार्ट होते थे, चीफ मिनिस्टर पार्ट होते थे। अब इसके दो बिंदु हैं और मैं आपको अनुमति दीजिए। भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति में प्रमुख भूमिका निभाता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, CVC से लेकर सारे संवैधानिक पद में उसकी सबसे प्रमुख भूमिका होती है। उसके हाथ में न्यूक्लियर बटन होता है, वो भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, वो सेना के चीफ, आर्मी के चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ बनाता है। तो भारत का प्रधानमंत्री अपनी मंत्रियों के साथ इतने बड़े काम कर सकता है, लेकिन एक जज की नियुक्ति में उससे ईमानदारी की अपेक्षा नहीं, यह कितना उचित है यह सोचना पड़ेगा। दूसरी बात मुझे क्या कहनी है, 93 के बाद कॉलेजियम सिस्टम आया, उसके पहले कानून मंत्री, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इसके पार्ट थे, अभी भी हैं, उतना नहीं थे। भारत के सम ऑफ द फाइनेस्ट जजेस पूर्व प्रक्रिया से आए, HR खानिया, हिदायतुल्ला, गजेंद्र गडकर, कृष्णा अय्यर, मैं नाम गिनाऊं कितने के नाम गिनाऊं, और एक जज थे जगमोहन लाल सिन्हा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के छोटे जज थे जिन्हें इंदिरा गांधी के इलेक्शन को सेटिसाइड किया, उनकी भी नियुक्ति पुराने सिस्टम से हुई थी। तो क्या 93 के बाद से उस कैलिबर के जज आए? अब एक चर्चा की बात है, हमने निर्णय को मान लिया, ईमानदारी से मान लिया, हम काम कर रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, वी हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर जुडिशरी, और मैं स्वयं जुडिशरी का एक पार्ट रहा हूं, इसलिए हम लोग जुडिशरी के सम्मान, स्वतंत्रता और उनकी इंटेग्रिटी की पूरी चिंता करेंगे। लक्ष्मण रेखा पार नहीं करें, अटॉर्नी जनरल यहां एक बात और उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन में खेहर साहब ने यह भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसे सुधारने की जरूरत है, वो प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन सर एक चीज बताइए, आप हर जगह जो चुनी हुई सरकार है वो अपना वरदहस्त क्यों चाहती है कि उसकी भूमिका बड़ी हो जाए? दुनिया में कहीं नहीं है चुनी हुई सरकार, अमेरिका में सीनेटर्स तय करते हैं, ब्रिटेन में तो एक आम नागरिक भी रहता है उस कमिटी में। देखिए अब एक दिन जरा आप हमसे आप अलग से इंटरव्यू करिए और आपको दुनिया में नियुक्ति की प्रक्रिया जजेस की क्या है मैं बताऊंगा। और आपने चूंकि एक बात कही तो मैं डॉक्टर अंबेडकर को कोट करना चाहता हूं, संविधान में लिखा हुआ था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द जजेस इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, निर्णय यह है कि द सुप्रीम कोर्ट विल अपॉइंट, ठीक है, हमने वो भी मान ली एक बात। लेकिन आपने बात की, चूंकि हम हर जगह हस्तक्षेप करते हैं ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर से एक बात पूछी गई थी, ये संविधान सभा का अंग है, इस पर उन्होंने कहा था वी डोंट वॉन्ट टू गिव द राइट ऑफ अपॉइंटमेंट इन वन सिंगल हैंड, वेदर इट इज द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इवन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये अंबेडकर ने कहा था। तो भारत के संविधान की भावना है, लेकिन फिर मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हमने स्वीकार किया है, ईमानदारी से स्वीकार किया है और हम कार्रवाई कर रहे हैं, और बताया कि आज तक का सेकेंड हाइएस्ट हमने जजेस की नियुक्ति की है। 1990 से आज तक साल में एवरेज 80 जजेस होते हैं, 2013 में अब्दुल्ला साहब की सरकार में 121 नियुक्त हुए, हम 120 कर चुके हैं और इस साल के अंत तक हम उनके नंबर से भी आगे निकल जाएंगे। इसका मतलब एक ये भी माना जाए कि जो फैसले मौजूदा वक्त में बीते 30 महीने हो चुके हैं, जो सरकार अलग अलग फ्रंट्स पे लिए गए हैं, 50 दिन मान लीजिए इसके मांगे का इंतजार आप भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, 30 दिसंबर का है, उसके बाद क्या स्थिति देश में बनती है। लेकिन हम कहते हैं चूंकि आप एक बड़े अनुभवी मंत्री के तौर पे नहीं, आपने हर दौर को देखा समझा है, और जेपी आंदोलन का भी आपने सुखी जिक्र किया, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें देश में मौजूदा वक्त में राजनीतिक दलों ने पार्लियामेंट के भीतर ये सवाल खड़ा कर दिया कि जिस इमरजेंसी के खिलाफ आपकी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होती है उस इमरजेंसी के अलग अलग हिस्सों को लोग अपने अपने नजरिए से आपको क्यों देखना चाहते हैं? देखिए पहले दो बात मैं बता दूं, एक तो मैं उसको पहले बोलना भूल गया, आप तो हमें जानते हैं ना,
चारा घोटाले में भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने वाले वकील रविशंकर मैं ही हूँ ना। बिल्कुल मालूम है ना आपको। बिल्कुल। अलकतरा घोटाले में नेताओं को जेल भिजवाने वाले वकील रविशंकर मैं ही हूँ ना। बिल्कुल। तो मैं अपने न्यायालय के अधिकार को जानता हूँ और आज हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमारी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया 2.5 साल में कि न्यायालय को हमारे ऊपर टिप्पणी करने का अवसर मिले, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं, ये हम न्यायालय के सम्मान को समझते हैं। अब देखिए, जो मोदी जी के खिलाफ ये बात कही जा रही है, इसके दो कारण है। पहला कारण यह है कि कुछ लोग को मोदी जी भाते नहीं। अब हम क्या करें उसका, जनता ने उनको पूरा बहुमत दे दिया, इतने राज्यों में जितवा दिया हमको, अभी बाई इलेक्शन हुए तो फिर जितवा दिया हमको। अब और तो और बच्चे को जगह टाइम ने ऑनलाइन पोल में उनको दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कर दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये उनको पछते नहीं, और मुझे इस बात का बहुत बहुत पीड़ा है कि मोदी जी के खिलाफ जितना सघन अभियान दुनिया भर में चला, कैंपेन अब भी जानते हैं, तो वह अतीत की बात है। उन लोगों को समझना पड़ेगा कि मोदी जी को जनता का समर्थन है। अब आपने पार्लियामेंट की बात कही, हम रोज बहस के लिए तैयार हैं। 16 तारीख को पहले दिन से बहस हुई, क्या कहा था कांग्रेस के एक नेता ने, हमारे प्रधानमंत्री को हिटलर और मुसोलिनी तक कह दिया, हम शांति से सुने कि नहीं सुने। जब देखे कि जनता में उनके बहस का कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट डे से कहे पीएम को बुलाओ, पीएम को बुलाओ। अब 10 दिन से वही चल रहा है, एक दिन पीएम जाकर के बैठे, जेटली साहब ने कहा कि पीएम इंटरवीन करेंगे राज्यसभा में, लोकसभा में राजनाथ जी ने कहा कि पीएम इंटरवीन करेंगे, अब फिर कहते नहीं पीएम हर का भाषण सुनने के लिए बैठे रहे। अब पीएम एक दिन जाकर फिर बैठ गए, अब ये क्या तर्क है, आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। तो क्या भारत सरकार के प्रधानमंत्री सारा देश का काम छोड़कर 22-24 घंटा जवाब सुनते रहे? वो जवाब देंगे, वो इंटरवीन करेंगे। हमारा तो ऐसा मानना है वाजपेयी जी कि हमारे विपक्ष के लोग जानते हैं उनके तर्क जनता को नहीं भा रहे हैं, या वो हमारा जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा जवाब आएगा तो सारी बातें सामने हो जाएंगे। तो अब चल रहा है तो चल रहा है, हम आज भी आपके इस प्लेटफॉर्म से हम अपील करेंगे विपक्ष नेताओं से, आए बहस करें, चर्चा करें, संसद चर्चा की जगह है। नहीं, हम लोग मतलब इस पे डिस्कशन, मेरे ख्याल से इस देश के भीतर सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि पार्लियामेंट है या नहीं है, पहली बार ये सवाल हो गया। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के बाहर 3 रैली कर चुके हैं जिस वक्त पार्लियामेंट चल रही थी, और उन्हीं इशू पर उन्होंने लोगों से बातचीत की जिस इशू पर पार्लियामेंट के भीतर बहस हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई, पहला हिस्सा ये था। दूसरा, इकोनॉमिक इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल किया गया विपक्ष के द्वारा, हिटलर मुसोलिनी वाले हम नहीं उसमें जा रहे हैं, एक स्थिति ये आई। और संयोग से हमारे सामने जम्मू कश्मीर के 2 नेता भी बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के जो हालात हुए उस पर एक तरीके से खामोशी बरत ली गई, सारी चीजें ठप पड़ी हुई हैं, खामोशी बरती हुई है, गवर्नमेंट है नहीं है क्या है, नेशनलिज्म को लेकर सवाल उठने लगे उस पर एक तरह की खामोशी थी। ये मैसेज ये है कि उस खामोशी में इतना डरावनापन है कि लोग क्या करें, बोलेंगे हाँ नहीं ठीक है हम लोग साथ। देखिए मैं जवाब दे दूं, आपने बहुत सवाल कर दिया, कोई डरावनापन नहीं है, हर को अपनी बात कहने का अधिकार है। कश्मीर की बात की, ऑल पार्टी डेलीगेशन गया कि नहीं गया, हुर्रियत लोग मिलने को तैयार नहीं हुए, विपक्ष के कहने पर राजनाथ जी गए, 3 दिन रहे कि नहीं रहे वहां पर। आज यह भी सच्चाई है कि नोटबंदी के बाद बहुत कमी आई है वहां पर, आतंकवाद को वहां से प्रश्न देते हैं सरहद के पार से, यह आप भी जानते हैं, चीजें सुधरनी चाहिए, जनता का समर्थन आया है, और इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने पढ़ाई की कि नहीं की, स्कूल की परीक्षाएं हुई कि नहीं हुई, तो घबराकर वो स्कूल को जलाते हैं। अब जो आपने बात की, कोई संसद में बंदी है क्या कि संसद में बहस आप करेंगे नहीं और पीएम को बाहर बोलने नहीं देंगे, ऐसा कोई संविधान नहीं है चमकरिया। प्रधानमंत्री डे 1 से तैयार है, हमारी सरकार तैयार है, बहस करिए, वित्त मंत्री अपनी बात कहेंगे, और मैं तो राहुल गांधी के तर्कों को सुनने के लिए व्याकुल हूं, नहीं हो तो पढ़ी दें वो भी मैं सुनने को तैयार हूं, लेकिन आप बहस नहीं कर रहे। आप जब बहस को तैयार होते हैं तो आप जाकर के स्पीकर के चारों तरफ धरना ले लेते हैं। आज स्पीकर साहब ने चलाया लोकसभा में क्वेश्चन आंसर, मेरा 3rd क्वेश्चन था, फिर भी घेर लिया। तो आप अगर कहते हैं फिजिकल बल से सदन नहीं चलने देंगे, तो ये 1 हफ्ता होता है, 4 दिन होता है, 5 दिन होता है, हो गया, जनता ने आपकी बात कह दी, आइए अपनी बात कहिए। कांग्रेस के अच्छे अच्छे वक्ता हैं, आनंद शर्मा खूब बोले, येचुरी जी बोले, बोल करके मायावती जी बोली, रामगोपाल जी बोले, उसके बाद खामोशी क्यों हो गई, ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है। और आपको बता दूं कि हम इस देश की विविधता का सम्मान करते हैं, हम इस देश की जमहूरियत का सम्मान करते हैं,
हम अपनी आलोचना के अधिकार का सम्मान करते हैं, हम ये भी चाहते हैं अगर हम दूसरे की बात सुनना चाहते हैं तो हमारी बात भी सुने। अगर संसद में बहस नहीं चलेगी हम जनता के बीच जाएंगे, और क्षमा करिए जनता इस मुद्दे पर हमारे साथ है। ये हिंदुस्तान की जनशक्ति का इतना बड़ा अंबार है जिसकी अपेक्षा है कि देश बदलना चाहिए, और हम देश को बदलेंगे। हम कुछ सवाल ले लेंगे, चूंकि नहीं सवाल नहीं अब फारूक साहब समझ सवाल लिवाए नहीं, हमको लगा था कि सामने दो बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हैं। देखिए ऐसा है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, हमारी बातचीत के लिए आज तक की जरूरत नहीं है, हम लोग बाहर में चाय पर बातचीत कर लेंगे। एक आखिरी सवाल इस दौर में कि क्या आपको लगता है कि जो चीजें रुकी हुई हैं इस डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट चूंकि चल रहा है, क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं कहेंगे, वो खुद प्रयास नहीं करेंगे, खुद पहल नहीं करेंगे किस डेडलॉक को तोड़ दें? आपको बता दें जब उन्होंने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री जी क्वेश्चन आवर के अलावे नहीं आएंगे तब तक हम बहस नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में क्वेश्चन के बाद भी चले आए, फिर बैठे हुए थे आधा पौन घंटा, फिर उन्होंने घेर लिया, लगे आलोचना करने के लिए। आज प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बैठे हुए थे, तो प्रधानमंत्री तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहस से भाग रहे हैं, तो ये तो सवाल है बहस से क्यों भागते हैं? आइए बहस करिए, शायद आपके तर्क इतने मजबूत नहीं है आप जनता को प्रभावित कर सके, या हमारे प्रभावी उत्तर को सुनने का आप में संयम नहीं है। कुछ भी हो, मैं कम से कम आपके माध्यम से अपील कर ही देता हूं कि विपक्ष के लोग आ जाएं, एक बार चर्चा होनी चाहिए। और हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को खुद डेडलॉक तोड़ने के लिए सामने आना चाहिए, स्टेट्समैन की भूमिका में होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री स्टेट्समैन है, लेकिन मैं आपकी बात उनको पहुंचा दूंगा कि पंडित पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ऐसा कहा।